तो पिछला लेक्चर में याद कीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, याद है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़े थे, याद करो, हम लोग क्या किए थे, गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूव किए थे। किसको? कूलम्स लॉ को। फिर सेकेंड एप्लीकेशन था, हम एक इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिए थे, है ना, उसके कारण हमको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। ये दो एप्लीकेशन हम लोग पिछला लेक्चर में कर चुके थे, आज हम लोग और दो एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो आज हम लोग का होगा, ये नंबर थर्ड होगा, ठीक है, दो तो कर चुके थे, वन और टू, तो आज थर्ड एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं, तीसरा। और वो तीसरा एप्लीकेशन है, जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सीट लेंगे, सीट समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये जो है एक सीट है, सीट मतलब चादर टाइप का, ठीक है, इस तरह करके, जिसका थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो और ये बिल्कुल प्लेन हो, इस तरह, इसको क्या कहते हैं, सीट, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यानी पूरे पर जो चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो बोलो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या लेंथ वाइज होगा या पूरा एरिया वाइज होगा? एरिया वाइज। तो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये सीट लेंगे, इसी सीट के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो भी किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो चलो देखो, बहुत ही आसान है। तो देखना, इधर हम क्या कर रहे हैं, एक इन्फिनिटी लॉन्ग, क्या बोल रहे हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग, इस तरह करके साइन, इसका मतलब समझ लो, इस तरह का मतलब ये नीचे बहुत दूर गया, ठीक है, उसी तरह इधर भी कर दिया, इसका मतलब ये ऊपर बहुत दूर गया, क्लियर। तो इस सिंबल का मतलब है ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, क्या है, इन्फिनिटी लॉन्ग, ये नहीं नीचे बहुत दूर गया, ऊपर भी बहुत दूर गया। तो ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी इस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिख रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, एक इन्फिनिटी लॉन्ग सीट, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, कितना है, सिग्मा, ठीक है। अब हमको इसके कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सोचो जरा से, ये जो सीट है, इमेजिन करो, सीट पर जो चार्ज है सिर्फ इस तरफ होगा या दोनों तरफ दिखेगा? दोनों तरफ, क्योंकि चार्ज से ही तो बना है, क्लियर है। तो सोचो जरा से, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर होगा या इधर भी होगा? दोनों तरफ होगा, क्यों, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इधर से भी जाएगा, क्लियर है। तो जरा ध्यान समझना, जैसे मान लो ये एक चार्ज है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। तो उसी तरह सोचो, ये सीट है, ये चार्ज है पूरा, तो इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब सोचो जरा से, इसका हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले, लेकिन किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सरफेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो सोचो जरा से, हम इधर एक सरफेस बना दिए, जिससे इसको हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, घेर दिए, तो क्या इधर पूरा हो गया, पूरा क्लोज, नहीं, इधर तो खाली ही रह गया, तो हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ सरफेस बनाना होगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, तो इस तरफ लिए एक सरफेस, दिख रहा है, ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इधर भी लेंगे, दिख रहा है, मतलब ऐसे ही है, इधर तो पूरा आपको दिख रहा है ऐसे करके, और इधर थोड़ा सा जो है अंदर है, ये बाहर वाला दिख रहा है, क्लियर है। तो ऐसे करके दो सरफेस लिए, दोनों तरफ क्लोज कर दिए, है ना, ये सरफेस वन हो गया, ये सरफेस टू हो गया, कोई तकलीफ। और इस सरफेस का एरिया कितना है, ए है, और इसका भी एरिया कितना है, ए, दोनों का एरिया कितना है, ए। अब बताओ इधर जो होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर होगा, इधर कैसे होगा, इधर होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा अगर हम एरिया वेक्टर मानेंगे तो बोलो किधर होगा, इधर होगा क्या, इधर भी हम लेंगे तो इधर होगा क्या, डी। तो फिगर हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब चलो
देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखना है। तो देखना, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, किसका थ्योरम लगा, तो याद करो गॉस थ्योरम था इंटीग्रेशन ई डी ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू इनटू वन बाय एप्सिलॉन नॉट, बात बराबर है ना। अब जरा समझना, बताओ ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन तो ये है, ये क्या है, क्लोज सरफेस, क्या है, हमने से कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। तो सोचो सिर्फ इस सरफेस को लेंगे, फर्स्ट वाला सरफेस को, क्या ये क्लोज हो जाएगा, नहीं क्लोज कब होगा, दोनों मिलाकर। तो हम ऐसा करें, इधर वाला इंटीग्रेशन इधर वाला इंटीग्रेशन दोनों करके जोड़ देंगे, क्या क्लोज सरफेस नहीं होगा, फिर समझना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा कौन सरफेस पर, फर्स्ट, प्लस इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा कौन सरफेस सेकंड, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई तकलीफ यहां तक, क्यों, क्योंकि समझना जरा सर, ये जो है क्लोज सरफेस रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्लोज सरफेस यानी दोनों सरफेस, ये सरफेस वो सरफेस दोनों, तो हम क्या किए अलग अलग कर दिए, पहले फर्स्ट सरफेस का फिर सेकंड सरफेस का। लेकिन याद रखिएगा यहाँ क्लोज का साइन नहीं देना, क्यों, क्योंकि क्लोज है, लेकिन हम सिर्फ इतना ले रहे हैं क्या क्लोज हुआ, नहीं, इसलिए हम यहाँ क्लोज का नहीं लेंगे। आ रहा समझ में, आ रहा, ठीक। अब देखना, चलो फर्स्ट सरफेस पर देखो ई वेक्टर डी ए वेक्टर दोनों के बीच कितना एंगल है, जीरो जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है। बोलो सेकंड सरफेस पर, जीरो, दोनों में सेम डायरेक्शन है, जीरो, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट सरफेस हो या सेकंड सरफेस हो, दोनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, जीरो। तो लिखेंगे हियर एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डी ए वेक्टर एट बोथ सरफेस इज जीरो डिग्री। सो चलो लगा ए डी ए कॉस, बोलो थीटा की जगह जीरो, कॉस सरफेस लिए प्लस, बोलो E थीटा की जगह बोलो बाबू जीरो, कौन सरफेस सेकंड इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, कोई तकलीफ। अब बोलो कॉस जीरो वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो वन से इंटू करेंगे तो बोलो ये तो इतने रहा है, क्यों, कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया, इसका भी वैल्यू कितना हो गया वन, तो वन इंटू इतना इतना ही रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ टी ए और सरफेस प्लस यहाँ भी बाहर, इंटीग्रेशन डी ए सेकंड सरफेस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई तकलीफ। बट इंटीग्रेशन डी ए करो फर्स्ट सरफेस का या इंटीग्रेशन डी ए करो सेकंड सरफेस का, दोनों क्या इक्वल, क्यों, दोनों का सरफेस एरिया देखो ये सेम है, ठीक है। तो हम लिखे इंटीग्रेशन डी ए फर्स्ट या सेकंड करेंगे क्या मिलेगा, ए, देयरफॉर जरा समझना, ई इंटू बोलो इसके जगह ए डी ए फर्स्ट सरफेस का कितना है, ए यहाँ रखेंगे ए प्लस प्लस ई इंटू ए, बोलो सेकंड सरफेस का भी कितना है, ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक कोई तकलीफ। ई ए प्लस ई ए टू ए, टू ई ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अब जरा समझना, याद करो सिग्मा, सिग्मा यानी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, तो सिग्मा इक्वल टू याद है क्यू बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बताओ जरा सर चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या है, ए इंटू सिग्मा, सिग्मा इंटू ए होगा, देयर बोलो टू ई ए इक्वल टू चार्ज है क्यू, क्यू का वैल्यू सिग्मा इनटू ए, यहाँ रख दें सिग्मा इनटू ए बाय एप्सिलॉन, बाय एप्सिलॉन ए से गया, यस, तो हमको क्या चाहिए था ई, तो ई बराबर क्या सिग्मा बाय
तो ये निकल गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सी के कारण तकलीफ। तो ये हो गया हम लोग का क्या थर्ड एप्लीकेशन किसका, गॉस थ्योरम का। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कौन देखेंगे, अगला एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। yes. तो ये जो हुआ आपका, ये हो गया क्या इन्फिनिटी लॉन्ग सीट के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसको पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा रहता है बहुत बार एग्जाम में आया कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिए। एक और चीज पूछता है क्या इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज सीट के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बताओ। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर डिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का मतलब नहीं है। आ रहा समझ में? तो ये था आपका थर्ड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का। अब हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन देखेंगे। तो जो फोर्थ एप्लीकेशन देखने वाले हैं हम लोग, समझिए, जो फोर्थ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे अब, तो वो फोर्थ एप्लीकेशन क्या होगा, हम लोग लेंगे होलो स्फेरिकल सेल। क्या लेंगे? होलो स्फेरिकल सेल, है ना, या फिर होलो स्फेयर जिसको बोलते हैं उसी को कहते हैं सेल। सेल समझते हैं, जैसे समझो अगर हम सिर्फ स्फेयर का बात करें तो हो सकता है वो अंदर से भरा हुआ भी रह सकता है, खाली भी रह सकता है। तो अंदर से अगर खोखला रहे, क्या रहे, खोखला, हॉलो रहे, तो इसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर या इसी को कहते हैं सेल, है ना। और अंदर से अगर पूरा भरा रहे तो इसको बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। क्या बोलते हैं? सॉलिड। तो हम लोग के बोर्ड में जो है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ क्या है, हॉलो स्फीयर, क्या है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर लेंगे, उसके कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, जरा समझ रहे ध्यान से, ये हॉलो स्फीयर है और ये मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन केस है। कितना केस है? सबसे पहले हम लोग लेंगे जब ये स्फीयर के बाहर पॉइंट पी, फिर दूसरा केस में लेंगे जब सरफेस पर, और तीसरा केस में लेंगे जब क्या, सरफेस के अंदर। तो याद रखिए तीन केस है। कितना केस है? यानी एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर लेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, इसका भी तीन केस है। सबसे पहले सरफेस के बाहर हो, दूसरा सरफेस पर हो, तीसरा सरफेस के अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग का जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा ये, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर, है ना, और सेल। क्लियर है? यानी हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर या सेल के कारण क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले समझते हैं, इधर देखो ध्यान से, जरा समझना। इमेजिन करो ये क्या है, स्फीयर, बना रहे हैं अच्छे से और खराब बनेगा स्फीयर। ये मान लो क्या है, होलो स्फीयर, क्या है, होलो स्फीयर, यानी अंदर से क्या है, खोखला, खोखला। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, देख रहा है, इस पर जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे सरफेस पर। दिख रहा है, तो पूरे सरफेस पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। कितना है? ये इसका सेंटर है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल। कितना है? कैपिटल। अब इसके कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, वो भी किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस लेंगे, क्या लेंगे, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस कहां लेंगे, इसके सरफेस के बाहर लेंगे पॉइंट, कहां लेंगे, बाहर। तो चलो ध्यान से देखो, मान लो पॉइंट पी कहां पर है, यहां पर, और इसके सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, है ना।
तो जब यहाँ पर लिए हमको इस पॉइंट पी पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगी गॉस थ्योरम के हेल्प से, सबसे पहले बताओ यहाँ पर क्या हमको एक स्फेरिकल बनाना होगा कि नहीं? यस सर। सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो ये हम क्या बना दिए, दिख रहा है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो बताओ ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर होगा, ई वेक्टर। छोटा सा अगर एरिया वेक्टर लेंगे तो किधर होगा, इधर ही होगा, क्या डी ए वेक्टर। कोई तकलीफ बोलो, कोई तकलीफ समझो, नहीं समझ में फिर से एक बार समझते हैं। ये होल स्क्वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, रेडियस कितना है स्क्वायर का, आर है, कैपिटल आर है। तो हम फर्स्ट केस लेने वाले हैं जब पॉइंट पी कहां पर हो, सरफेस के बाहर, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे लेकिन किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम के हेल्प से। और गॉस थ्योरम का हेल्प जब भी लेंगे तो हमको गॉसियन सरफेस बनाना होगा, देखो ये गॉसियन सरफेस बना दिए, है ना। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज था तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर और डीए वेक्टर भी इधर, ठीक। ये आपका क्या है बाबू, गॉसियन सरफेस, कौन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो ध्यान से देखो तो हम लोग का फर्स्ट केस है, क्या है फर्स्ट केस, केस वन, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी ये जो स्फीयर का सरफेस के बाहर हो, क्लियर है। तो चलो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, बोलो क्या पढ़ो, इंटीग्रेशन ई टू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनटू एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन, है ना, इन पढ़े थे। तो जरा ध्यान से देखो, हियर एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज जीरो, इज जीरो डिग्री। देखो यहां पर ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, कितना एंगल होगा, जीरो। सो बताओ इंटीग्रेशन, बोलो रे, ई टू डी ए कॉस जीरो, कॉस थीटा की जगह जीरो, इक्वल टू क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन, कॉस जीरो वैल्यू वन, तो ये तो हो गया वन। तो लिख सकते हैं इसको ई इंटू डी ए कॉस जीरो वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन, ये बाहर ले जाए तो इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, बट इंटीग्रेशन जब डी ए करेंगे तो ए मिलेगा, ए मतलब क्या, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो जरा ध्यान से देखो गॉसियन सरफेस कौन है, ये वाला है या फिर ये वाला है, बड़ा वाला है। तो हमको किसका एरिया लेना होगा, ये छोटा वाला का या बड़ा वाला, बड़ा वाला का। तो बड़ा वाला रेडियस क्या है, स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर, याद रखिए जो बड़ा वाला है उसी का रेडियस लिए है स्मॉल आर, क्लियर है। तो बोलो उसका एरिया कितना होता है, फोर पाई आर, तो बोलो कैपिटल आर या स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, याद रखिएगा। देयरफॉर बोलो ई इसके लिए फोर पाई, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना ना है, यस सर, तो रखो फोर पाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन, कोई तकलीफ। अब जरा समझना ध्यान से, बट क्या बोल रहे हैं, याद करो सिग्मा यानी क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, क्यू बाय ए, याद करो सिग्मा इक्वल टू क्या था, क्यू बाय ए, सरफेस पर सॉरी चार्ज बाय एरिया। तो क्यू बाय ए मतलब एरिया। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ चार्ज किस पर फैला हुआ, इस पर, इस स्फीयर पर, देखो जरा ध्यान से पूरे पर फैला, तो ये तो स्फीयर है कि नहीं, Yes. तो बोलो इसका एरिया होगा फोर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो बोलो सिग्मा इक्वल टू पढ़े थे चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज हो गया क्यू और एरिया की जगह लेंगे फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वही ले रहा है सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय फोर पाई स्क्वायर, तो बोलो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू फोर पाई स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो सिग्मा इंटू फोर पाई स्क्वायर। Therefore, चलो देखो E into क्या? 4 pi square, 4 pi small square equal to Q by epsilon naught, Q के जगह sigma into 4 pi capital R square by
बोलो फोर पास फोर पा गया yes, और तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि स्मॉल आ रही है कैपिटल आ रहा है तो बोलो E इक्वल टू क्या बचा सिग्मा इनटू आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर तो ये निकल गया हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर जब पॉइंट पे क्या हो सरफेस के बाहर क्लियर है ठीक तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट केस अब देखेंगे हम लोग सेकेंड केस तो ये जो देख रही है केस वन था ये पहला केस था जब हम लोग कहां किए हम लोग पॉइंट बी कहां लिए बताओ सरफेस के बाहर अब हम लोग सेकेंड केस पर ध्यान देंगे तो सेकेंड केस क्या होगा बस यही पॉइंट कहां पर आ जाएगा सरफेस पर आ जाएगा कहां जाएगा सरफेस पर तो सेकेंड केस हम लोग का ये हो जाएगा व्हेन पॉइंट लाइज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर है ना जब कहां पर आ जाए सरफेस पर आ जाए तो देखो जरा सर तो समझना जरा ध्यान से इस चीज को यहां देखो जरा क्या ये पॉइंट पी यहां से उठ के यहां आएगा बुलाएगा कि नहीं yes, ठीक है तो देखो जरा सर अब इस चीज को तो हुआ क्या जरा ध्यान से देखिए पॉइंट पी अब आ गया सरफेस पर आ गया यहां पर आ गया ठीक है तो हमको इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना ये वेक्टर क्या होगा क्लियर है अब जरा ध्यान से देखना तो इसका जो डिस्टेंस आर था वो यही ना हो गया जो हम डिस्टेंस लिए थे यहां पॉइंट पी का जो स्मॉल आर लिए थे वही लिए थे अब पॉइंट आर यहां सॉरी पॉइंट पी यहां आ गया तब तो आर तो यही हो गया तो जरा ध्यान से देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हो गया ठीक है जब सरफेस पर था जब सरफेस पर सॉरी सरफेस के बाहर था तो यहां पर पॉइंट पी लिए आर इतना था अब यहां पॉइंट पी कर दिए तो आर यही हो गया जितना बड़ा ये स्मॉल आर है उतने बड़ा कैपिटल आर यानी दोनों क्या हो गया इक्वल है क्या हो गया तो जरा ध्यान से देखना बहुत ही आसान है नाउ एज वी नो जैसे कि हम जानते हैं बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकला था E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर बट बता जरा सा यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो गए इक्वल हो गया तो वही लिखेंगे बट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर देयरफॉर E इक्वल टू जरा ध्यान समझना सिग्मा इनटू आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इस स्मॉल आर को भी कैपिटल आर लिख सकते हैं यानी जो छोटी थी वो बड़ी के बराबर हो गया तो आर स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर तो कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो ये हो गया जब कहां पर पॉइंट हो सरफेस पर तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन आसान है तो याद रखिएगा जब कोई यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो सेल हो स्फेरिकल सेल और उसके सरफेस पर पॉइंट पी हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन आसान है तो ये हो गया केस टू कंप्लीट ठीक है तो ये जो था आप लोग का केस टू था अब हम लोग केस थ्री जाएंगे क्या जाएंगे केस 3 तो केस 3 में क्या करेंगे ये जो पॉइंट पी हम लोग सरफेस पर लिए थे अब क्या करेंगे अंदर ले लेंगे क्या ले लेंगे सरफेस के अंदर जरा ध्यान से देखना ये पॉइंट पी जो था अब सरफेस के कहां पहुंच गया अंदर ठीक है तो ध्यान से देखना तो मान लो ये पॉइंट पी कहां हो गया यहां हो गया तो बताओ हमको जो हमको गॉसियन सरफेस बनाना होगा वो यही बनाना इस तरह करके क्लियर है ये गॉसियन सरफेस हो गया ये क्या हो गया इसका आर यानी डिस्टेंस अब जरा ध्यान से देखो ये जो गॉसियन सरफेस है क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं चार्ज कहाँ बाहर है बाहर इस गॉसियन सरफेस के बाहर क्योंकि पॉइंट पी यहां लिए था हमारा गॉसियन सरफेस तो यही ना हो गया ये क्या हो गया हम लोग का गॉसियन सरफेस ठीक है तो जरा ध्यान से देखो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है सब कहां है बाहर तो याद करो गॉस का कहना था कि जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किसके बराबर होगा उस सरफेस के अंदर रखा टोटल चार्ज इनटू वन बाय एप्सिलॉन है ना
तो बोलो सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? नहीं। तो जब चार्ज ही नहीं होगा, सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा समझिए, हम लोग का थर्ड केस जो होगा लिखेंगे, ध्यान से देखना। इन दिस केस द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? जीरो। सिंपल से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जब क्या हो, सरफेस के अंदर हम पॉइंट भी लेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। इसी के साथ ये जो हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर में हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, डायलेक्ट्रिक्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं।